जैसे आपने देखा अभी मैंने सुबह सुबह अपनी गाड़ी को क्लीन कराया, अच्छे से चकाचक अभी वॉश कराई है गाड़ी को बाहर से अंदर से, वो इसलिए क्योंकि दो तीन दिन से मेरे पास गाड़ी थी नहीं। सनी और तानिया गए थे घूमने शिमला, तो थोड़ी सी बाहर से गंदी हो गई थी, इसलिए मैंने फटाफट अभी जाके सुबह क्लीन कराई, क्योंकि मैंने अभी सर्विसिंग कराई थी दो तीन दिन पहले। तो होता ना कि सर्विसिंग के बाद कुछ टाइम तक तो एक गाड़ी एकदम चमकते रहने का मज़ा आता है एक, तो अभी बस वॉश कराई है एंड अभी चलते हैं आज का दिन शुरू करते हैं। एंड होपफुली आपको हमारा वो क्रिसमस वाला व्लॉग बहुत पसंद आया है, काफ़ी लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, काफ़ी लोगों ने बहुत तारीफ़ की है, बहुत फ़नी लगा, स्पेशली पापा का गिफ्ट बहुत अच्छा लगा लोगों को, तो रिव्यू सुन के तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही आप देखते रहो हमारे वीडियोज़ एंड लाइक एंड शेयर करते रहो। सो आज शाम को हमारा प्लान है घर पर बारबेक्यू करने का, आज का भी प्लान है कल का भी प्लान है, तो आज हम करेंगे बारबेक्यू एंड देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें वेज और नॉन वेज रखने वाले। एक बार हमने लास्ट ईयर भी किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप ऊपर लिंक पे जाके देख सकते हो, हमने पिछले साल किया था बारबेक्यू, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम हमने किया था तो काफ़ी अच्छा बना था। तो इस बार हम देखते क्या क्या चीज़ें रखे दिए, शाम को करेंगे बारबेक्यू। तो उसके लिए मुझे कोयला खरीदना था, तो अभी मैंने खरीद लिया 2 किलो कोयला, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने पूछ लिया है, तो रात भर खुले हुए आके ले सकते हैं, बाकी कोयला जलाने में बहुत टाइम लगता है। चलो शाम को देखते हैं क्या होता है। चिकन तगड़ी सब बारबेक्यू होएगा इसके अंदर, सब मैगी, इसके क्या क्या मसाले हैं इसमें जो है ना, सब लहसुन अदरक दही नींबू तेल बाकी नमक मिर्च गरम मसाला सब डाला है। काम हो रहा है, हम खाने के लिए कैसा लग रहा है? हम खाने के लिए तैयार है, शाम को होगा बारबेक्यू। यस All are invited over YouTube video with friends and family. तो हम पीयूष कपूर का काम कर रहे हैं वीडियो बनाना। ये मैरिनेशन बन रहा है किस चीज का है? ये बन रहा है मशरूम का। अच्छा, तो मशरूम का बन रहा है मैरिनेशन, चिकन का हो गया है, मशरूम का बन रहा है। इसमें वो नींबू दही वगैरह नमक मिर्च मसाले थोड़ा सा बारबेक्यू रूपक रूपक और इस कंटेंट की पीयूष कपूर हम सबको कमीशन दे रहे हैं। मम्मी को 30,000 मुझे और इच्छा को सपोर्ट फंक्शन के लिए जो भी उसका मन करे। एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड। क्या किया आपने अभी से? धुआं धुआं इतना सारा जलने में टाइम लगता है। कोयला था आपके पास? कोयला मेरे पास लास्ट ईयर का पड़ा था। हम बारबेक्यू कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, देखो कितना ज्यादा धुआं निकल रहा है। बारबेक्यू करने पे पहले धुआं तो जब तक ये पक गया आग नहीं पकड़ेगा तब तक ठीक से हो रहा है एग्जॉस्ट। एक बार आग पकड़ जाएगा ये एग्जॉस्ट भी चला दो। ये देखो कितनी सारी चीजें मैरिनेट करके रखी है मम्मी ने, बस इसमें प्रॉन्स मुझे लग रहे थोड़े से कम पड़ सकते हैं। कोई बात नहीं, ये है चिकन, फिश, कॉर्न्स, ये भी चिकन है, ये भी चिकन है, बहुत है, अभी इतना ही रखते हैं, इसके साथ हम प्रॉन्स रख देते थोड़े से, तो बाद में करेंगे, वो तो एकदम होएगा जब सब आ जाएंगे। तो फिश रख देते, फिश को टाइम लगेगा। फिश तो फिश और प्रॉन्स तो सबसे जल्दी होएगा, सबसे ज्यादा टाइम चिकन में। वे तो जल गए, देखो कौन ये क्या हो गया एक तरह से पूरे काले काले हो गए। रन खाओगे? मैं ध्यान से देख रहा है, खाना है? क्या खाना है बताओ, कैसा? गरम तो नहीं, चिमनी चला ले, संभाल ले, जो चाहिए ये गरम ही है। आपको लगता है संभाल सकते हो? हाँ, अभी देखते हैं। ये कौन की हालत कर रही, कौन खाएगा, कौन? आप जल गया, कोई नहीं खा पाएगा। अब हमने फिश रख दिया है एंड प्रॉन्स अभी नहीं किए ना, प्रॉन्स तो एंड में रखेंगे,
लगा आपको? आपकी कैप बड़ी अच्छी लग रही है। बाल में और ना जाए धुआं, धुआं तो इतना ज्यादा हो गया। ये देखो, ये क्या क्या लेके आ रही है? ये क्या है? मशरूम। आपको चिकन कैसा लगा वो तो बताओ। चिकन कैसा लगा? बयान का तो बहुत अच्छा लगा। ये लो चिकन भी आ गया। तो अभी बस मैं अपने रूम में आ गया हूँ। हम इतनी देर से बारबेक्यू कर रहे थे एंड इतना धुआं, इतना ज़्यादा धुआं हो गया कि मुझे मास्क पहनना पड़ा, क्योंकि छींके आने शुरू हो गए। आपको पता है मैंने कितनी बार कहा है कि मैं एलर्जिक हूँ, हल्का सा भी डस्ट या कोई स्मेल या कोई स्मोक है ना, मुझे छींक आनी शुरू हो जाती है, जुकाम हो जाता है। तो वही हो गया, इसलिए मैं अपने अभी रूम में आके बैठा हूँ। एंड अब हम वेट कर रहे हैं 12 बजने का, क्योंकि कल है ऋचा का बर्थडे। तो ऋचा का बर्थडे वैसे ही इतने स्पेशल दिन आता है, कल आखिरी दिन है साल का, न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी केक मंगा रखा है, केक कटिंग होगी रात के 12 बजे। तो वेट करते हैं, फिर केक कटिंग आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पीछे देखो, अभी बज रहे 10:30 एंड हमने सोचा कि चलो अभी कर लेते केक कटिंग, क्योंकि सब थक गए हैं। मम्मी आ जाओ, सब लोग थक गए, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा जल्दी कर लेते केक कटिंग। एंड फिर ऋचा खुद थक गई है, ऋचा ने खुद बोला कि चलो जल्दी करते। तो अभी मैंने केक लगा दिया, आपको दिखाता हूँ पहले केक। बर्थडे कल आ गई है थोड़ी जल्दी, 1.5 घंटे पहले। तो 10:30 बजे ही हम केक कटिंग कर रहे हैं। चलो मैं पहले इसको जला देता हूँ, कैंडल्स को। देखो अभी खुलेगा। ओ माय गॉड, ये तो बहुत प्यारी चीज है। म्यूजिक भी घूमेगा शायद, ये तो बहुत प्यारी चीज है। म्यूजिक भी है, ये तो मैंने पहले कहां से लाए? इसी में ऑप्शन था। अच्छा, इसको कहते हैं फ्लावर कैंडल। अच्छा अच्छा, ये अच्छा, ओके, म्यूजिक भी चल रही है। अच्छा, अब आवाज आ रही है, काम करो। हां, बयान देख रहे हैं, बयान देख रहे हैं कि कब आएगा। और इस चीज को देखो, ये अभी तक चल रहा है, इसकी में से अभी तक आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है हमें पता नहीं। जल चुका है, तोड़ चुके हैं इसको हम, 2-3 बार गिर चुका है। ये कैंडल थी ना, ये फ्लावर कैंडल थी, देखो। और यहाँ से जल गया, बट आवाज अभी भी आ रही है, 15 मिनट से आवाज ही आ रही है इसमें। तो अभी बज रहे हैं 11:15 एंड हमने पहले ही बर्थडे गर्ल का केक काट दिया 12 बजे से पहले, क्योंकि सब लोग थक गए थे। ऋचा ने मुझे बोला था कि चलो फटाफट तो ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना। कल हम देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करेंगे ऋचा का बर्थडे, कहीं जाएंगे हम बाहर, तो आपको भी ले चलेंगे हमारे साथ। ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी बर्थडे।